हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बात कर रहे हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मित्रों, लगातार इस वीडियो से जुड़े रहें जिससे आप पूरी जानकारी ले पाए। मित्रों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सारे लोगों के लिए जो डायबिटीज से परेशान है और विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट के द्वारा, विभिन्न प्रकार की पैथियों की दवाइयों के द्वारा उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें जिससे अधिक लोग इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक के मदर टीचर कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी जानकारी ले पाए। मित्रों, यह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे आपकी डायबिटीज की समस्या 100% ठीक होगी। आप लगातार हमारे वीडियो को देखें और जानें किस तरह हमें इस कॉम्बिनेशन को डेवलप करना है, कौन कौन से मदर टिंचर का इस कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़ती है और कितनी मात्रा हमें इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए इन दवाइयों की पड़ती है। तो मित्रों, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि यह किस तरह के डायबिटीज टाइप के लिए इंडिकेटेड है। यह टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंडिकेटेड है, या टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंडिकेटेड है, या गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए इंडिकेटेड है। मित्रों, इन सारी बातों के लिए हम आपको बहुत ही अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लगातार शरीर में क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। मित्रों, हमारे लिए ऊर्जा वैसे ही जरूरी है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। जिस प्रकार पेट्रोल गाड़ी को लगातार चलाती रहती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में जो खाने पीने से ऊर्जा मिलती है वह ग्लूकोज के रूप में हम उपयोग करके अपने शरीर को चलाते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं उसी ग्लूकोज के द्वारा होती हैं। मित्रों, जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अनकंट्रोल्ड रूप से ब्लड में बढ़ जाती है और बढ़ी हुई जो ग्लूकोज की मात्रा है वह कुछ ही मिनटों में यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति की लगातार पुनरावृत्ति होते होते शरीर में कमजोरी आने लगती है, शरीर में भूख बढ़ जाती है, शरीर खाते रहने के बाद भी कमजोरी महसूस होती रहती है। मित्रों, इस तरह की स्थिति एक डायबिटिक पेशेंट की लगातार बनी रहती है। डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं, डायबिटीज के जो टाइप्स हैं, डायबिटीज के जो लक्षण हैं, इसके बारे में हम आपको अपने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे चुके हैं। अगर आप इनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो हमारे डायबिटीज से रिलेटेड जो पिछला वीडियो है उसको आप गौर कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में जो खान पान है, जो डायबिटीज में डाइट है, उसके बारे में एक अपना सेपरेट वीडियो बनाया है। उसके द्वारा आप डायबिटीज से संबंधित डाइट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज की ट्रीटमेंट के बारे में जो एक मदर टीचर कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। मित्रों, डायबिटीज से संबंधित जो यह मदर टिंचर है, यह बहुत ही ताकतवर मदर टिंचर है और यह मदर टिंचर चाहे वह टाइप 1 डायबिटीज हो, जिसको हम जेनेटिक डायबिटीज भी बोल सकते हैं, ज़ेबोनल डायबिटीज भी बोल सकते हैं, इसको भी ठीक करने की ताकत रखती है, या वो पेशेंट जिनके लिए अभी अभी डायबिटीज के सिम्टम बड़े हैं, जिनमें ब्लड शुगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, वैसी स्थिति में भी इस मदर टिंचर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उसको प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं, उसमें भी यह बहुत ही अच्छे से काम करता है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से यह मदर टिंचर काम करता है। साथ ही साथ जेस्टिनल या गेस्टिनल पीरियड में होने वाला या महिलाओं की प्रेगनेंसी के समय जो होने वाली डायबिटीज है उसमें भी इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, चाहे वह कोई सी भी डायबिटीज की स्थिति हो, चाहे प्री डायबिटिक स्टेज हो, किसी भी स्थिति में यह मदर टिंचर कॉम्बिनेशन पेशेंट की डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को डेवलप करते हैं। मित्रों, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को डेवलप करने के लिए हमें 4 प्रकार के मदर टिंचर की जरूरत है। इसमें 4 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। इन चारों के मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन से
हर तरह की डायबिटीज में राहत मिलती है। उनके नाम है, सबसे पहला है सिजेजियम जंबुलिनम, दूसरा मदर टिंचर है जेमनीमा एस, नंबर तीन पर है सिफलेंड्रा इंडिका और चौथे नंबर पर है रेडियम ब्रो जो जर्मन कंपनी की सील पैक सीसी है। इन चारों मदर टिंचर की 20-20-20-20 ml की एक 100 ml की सीसी में मिला के मिक्स करना है और यह जो बनी हुई 80 ml का जो सॉल्यूशन है यह वह मदर टिंचर जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वह डेवलप हो जाता है। इस मदर टिंचर को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम आपको बताएं। 30 ड्रॉप्स खाना खाने के आधा घंटे पहले आधा कप पानी में मिलाकर तीन बार इसकी मात्रा को लेना है। सुबह खाली पेट जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके पहले इसको लेना है। जब लंच टाइम में मील को लेंगे उस टाइम में भी इसकी 30 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिला के लेंगे खाना के आधा घंटे पहले, और रात में जब जो लंच का टाइम है उस टाइम जो खाना लेते हैं उसके भी आधा घंटे पहले 30 ड्रॉप्स मेडिसिन आधा कप पानी में मिलाकर खाना के आधा घंटे पहले लेना है। मित्रों, इस तरह इन तीनों टाइम पर 30-30 ड्रॉप्स मेडिसिन लगातार तीन बार रेगुलर रखना है। मित्रों, इस दवा के कॉम्बिनेशन को लेते समय जो बाकी पुरानी दवाइयां हैं उनको पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, उन्हें भी साथ साथ लेना है। लेकिन जब मेडिसिन लेने के बाद आपकी शुगर लेवल में कमी आने लगे, नॉर्मल की तरफ ब्लड शुगर लेवल आने लगे, जब वो 160 के करीब आ जाए या उससे थोड़ा सा ही ऊपर रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें जो पुरानी दवाइयां चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो उनकी मात्रा को कम करना है और इस कॉम्बिनेशन की मात्रा को ऐसे ही रेगुलर रखना है। मित्रों, लगातार इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की मात्रा को रेगुलर रखेंगे तो हमारा शुगर लेवल लगातार मेंटेन होगा, नीचे की तरफ नॉर्मल की तरफ आएगा, जो बढ़ी हुई शुगर है वह कंट्रोल होगी। इसके साथ ही साथ हमारे लिए जो डाइट है अपनी वो भी रेगुलर रखना है, मेंटेन रखना है, अपनी शुगर के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट को मैनेज करना है। डाइट के लिए हमने जो अपना सेपरेट वीडियो बनाया है उसके हिसाब से अपनी डाइट को मैनेज करें और डाइट के साथ साथ अपने लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपनी दवाई को रेगुलर ध्यान से खाएं, तनाव टेंशन से बचें। इस सारी बातों के कॉम्बिनेशन से आपके लिए शुगर का लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। मित्रों, यह कॉम्बिनेशन के लेते लेते एक और होम्योपैथिक दवा पेनिक्रियाटिनम 3x भी ले सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी दवा है। यह हमारे जो पेनक्रियाज जहां से इंसुलिन डेवलप होता है जो शुगर को कंट्रोल करता है उसको भी मेंटेन करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिससे वह अधिक से अधिक बॉडी की शुगर के अकॉर्डिंग इंसुलिन को डेवलप करेगा। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी दवा का कॉम्बिनेशन है। इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के द्वारा हमने अपनी डेली प्रैक्टिस में कई सारे पेशेंट्स को आराम दिया है, आपको भी इससे आराम मिलेगा। आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके पास ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।